बालाजी मंदिर में प्रसाद खाते ही आत्माओं का इलाज शुरू हो जाता है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिप में। आज मैं अपने पूरे फैमिली के साथ दिल्ली से बालाजी महाराज के पास आए हैं अपनी अर्जी लेके। 5 घंटे के लंबे समय के बाद मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे तो देखा 2 किलोमीटर लंबा लाइन। यहाँ पर लोग 3 बजे रात से ही लंबी लाइन लगाए हुए थे और यहाँ पर प्रसाद खरीदना और यहाँ पे प्रसाद बेचने वाले बोलते हैं, अब मुझसे प्रसाद ले लो, हम आपको लाइन में घुसा देंगे। हमने प्रसाद ले लिया मगर हमें लाइन में नहीं लगाया। इधर उधर घूमने के बाद हमने काफी देर बाद बीच लाइन में घुस गए, मगर आप लाइन से ही आना, हम तो काफी लेट हो गए थे। चलिए लाइन में जय श्री बालाजी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रतिष्ठित मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं। ये स्थान 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, बहुत आकर्षक दिखाई देता है और यहाँ के शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। ये जगह 3 देवों का स्थल है। पहला बालाजी, बालाजी के प्रसाद खाते ही बुरी आत्माओं का इलाज शुरू हो जाता है। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके सामने बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव बाबा बालाजी के सेनापति और भगवान शिव के अवतार हैं, इसी कारण भैरवनाथ को कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। भैरव कोतवाल को उड़द की दाल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है, खासकर उड़द दाल के बने दही भल्ले और मिठाई और जलेबी का भोग प्रिय है। प्रेतराज सरकार बालाजी के दरबार के दंड नायक हैं और यही बुरी आत्माओं का दंड देने का अधिकार रखते हैं। प्रेतराज को पके हुए चावलों और खीर का भोग लगाया जाता है। ये 3 देव यहाँ आज से 108 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। इसके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 पुजारी इस स्थान पर सेवा कर चुके हैं। वर्तमान में 3 पुजारी सेवा दे रहे हैं, श्री गणेशपुरी महाराज, श्री किशोरपुरी महाराज, श्री नरेशपुरी महाराज। यह राम मंदिर जस्ट बालाजी मंदिर के सामने, जिससे बालाजी महाराज प्रभु श्री राम के हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यह है श्री बालाजी महाराज। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम कैमरा बंद कर लेते हैं। बालाजी मेहंदीपुर मंदिर, ये मंदिर ही नहीं है, यहाँ बालाजी की अदालत चलती है, जिसमें भैरवनाथ बुरी आत्माओं को बंदी बनाते हैं और बालाजी के सामने पेश करते हैं। बालाजी महाराज सुनवाई करते हैं और प्रेतराज बुरी आत्माओं को दंड देते हैं। बालाजी दर्शन करने के नियम, बालाजी जाने से पहले 1 सप्ताह मांस अंडा शराब आदि चीजों को छोड़ना होता है। बालाजी महाराज के दर्शन से पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन किया जाता है, फिर बालाजी का, आखिर में भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन के द्वारा किसी से प्रसाद ना ले और ना किसी को दे, और बालाजी के पास अपनी हाजिरी जरूर लगाए, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मंदिर में आता है और यहाँ से जाता है। और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है, मंदिर में जाते समय पीछे मुड़ के ना देखें। बालाजी आने के लिए आपके लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई रेलवे स्टेशन है, जो बालाजी मंदिर से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। बांदीकुई से लोकल बस ₹50 लेते हैं बालाजी आने के लिए, और आप बस से भी आ सकते हैं, दिल्ली से आपको आसानी से मिल जाएगी।
बालाजी मंदिर में प्रसाद खाते ही आत्माओं का इलाज शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलेगा कि काली शक्तियों से या टोटका से मुक्ति कैसे मिलती। लोग यहाँ नेगेटिव पावर और बीमारियों से पीड़ित, जिसे कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाया, उससे छुटकारा पाने आते हैं श्री बालाजी महाराज के पास। ये है समाधि बाबा, जिनके लिए लोग एक दिया जलाते हैं। इन्हीं के सपने में बालाजी आए थे। बालाजी ने कहा, मेरी मंदिर स्थापित करो इस जगह, जिससे पीड़ित लोग यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। आज शुरू करते हैं पहाड़ों की चढ़ाई, जिसमें सारे के सारे मंदिर घूमेंगे। यहाँ पर बंदर बहुत हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो चने जरूर लेके आए, नीचे आपको आराम से मिल जाएगा। 10 रुपए में एक पैकेट मिलता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मंदिर एंड पहाड़ों को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल जाए। यह हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हनुमान जी की माता श्री अंजना माता मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय गाइस।